मुरादाबाद जनपद के कांट रोड स्थित अगवानपुर चौराहे पर एक लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित कराया गया, जहां पर शहर के बुद्धिजीवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पहुंचकर सभी आयोजकों को बधाई दी और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगवानपुर के निवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए ये लाइब्रेरी लाभदायक साबित होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह ने फीता काट कर लाइब्रेरी का शुभारंभ किया, साथ ही उन्होंने आयोजकों को बधाई भी दी। इस दौरान सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए कहा कि लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किए जा रहे हैं। आज इस लाइब्रेरी के शुभारंभ के अवसर पर सभी विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी। उन्होंने आगे कहा, देखिए इन्होंने शोभित भाई ने ये यूनिक लाइब्रेरी के नाम से यहाँ एक सेंटर खोला है। फर्क तो इसका बहुत पड़ेगा, क्योंकि देखिए आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन जिन्हें पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं मिलता, कहीं बिजली नहीं है तो कहीं बराबर में कुट्टी कट रही है तो कहीं हवा नहीं है और ये किसी के पास कंप्यूटर नहीं है या किसी के पास लैपटॉप नहीं है, ऐसी सारी सुविधाएं जो यहाँ इन्हें उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन एक मध्यम आय वाला बच्चा जिसके पास सारे साधन उपलब्ध नहीं, वो भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है, उसका लाभ उठाएगा। मैं समझता हूँ इन्होंने एक बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में करा है, जिसकी बहुत सख्त जरूरत थी। अच्छा, नए युवा के लिए क्या प्रेरणा अपने तरफ से देना चाहेंगे? नए युवा के लिए मेरी यही प्रेरणा कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना इसका लाभ उठाएं, जो एक अच्छी एक सुविधा उन्हें यहाँ इन्होंने उपलब्ध कराई है उसका लाभ उठाना चाहिए उनको। जिन लोगों को बच्चों को घर पर पढ़ने का माहौल नहीं है या घर पे सारी सुविधाएं मौजूद नहीं है, उनको यहाँ कम सस्ता और सुलभ साधन मिल रहा है, उसका लाभ उठाना चाहिए। लाइब्रेरी के संचालक शोभित चौधरी ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि लाइब्रेरी के खुलने से क्षेत्र के युवाओं को दिल्ली या कोटा जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं रहकर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वे कर सकते हैं। लाइब्रेरी का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व विधायक ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में ये सराहनीय कदम है, ये लाइब्रेरी युवाओं में जोश भरने का काम करेगी। हमारा उद्देश्य ये है जो दिल्ली की सुविधाएं हैं वो हम लोग यहाँ पर एक अगवानपुर क्षेत्र में सेरुवा चौराहा क्षेत्र में हम लोग लेके आए हैं। जो हमारे यहाँ का युवा है जो मुरादाबाद या फिर दिल्ली जैसी जगह पर जाता है वो क्या है, और यहाँ पर जाने में लड़कियों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो बच्चा क्या है आराम से रात दिन में या रात में आराम से यहाँ पे स्टडी कर सकता है। उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया गया है, उसको अच्छी सारी सुविधाएं दी गई हैं, लाइटिंग की, कैमरा की, और सेफ सीट उसको दी। युवाओं को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा अगर वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनको एक शांत माहौल मिलेगा स्टडी के लिए जो घर पर नहीं मिल पाता है, फुल लाइटिंग, फुल वाईफाई, वो सारी चीज़ें, हाँ, जिससे युवाओं में रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे।